Hi everyone, I'm Rianka and you're watching the Rianka Talkies. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोग अपने बालों का ख्याल रखते हैं? नहीं ना, आप लोग को भी हेयर फॉल हो रहा होगा, रिसीडिंग हेयर लाइन है, धीरे धीरे बाल भी पतले हो रहे हैं और टूटना तो कतई बंद नहीं हो रहा है। और आप टेंशन में भी होंगे कि कैसे रोके, कोई सल्यूशन मिल नहीं रहा होगा। बहुत कीमती हेयर ऑयल भी यूज़ कर रहे होंगे, स्पा करवा रहे होंगे, 3-3 महीना में बाल भी कटवा रहे होंगे, लेकिन सल्यूशन फिर भी नहीं मिल रहा होगा, है ना? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं घर में बनाती हूँ ऑनियन एंड मेथी हेयर ऑयल। ऑनियन और मेथी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर कोई विटामिन की कमी है या जेनेटिकल है तो बस हेयर ऑयल लगाने से काम नहीं चलेगा। तब आपको डॉक्टर का हेल्प लेना ही पड़ेगा और आपको अपना ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदर से ही प्रॉब्लम होता है, जैसे PCOD, PCOA, ये सब। अगर आपको अंदर से प्रॉब्लम है तो आप बाहर से कुछ भी करें, आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल कम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है स्कैल्प में, ड्राइनेस है, डैंड्रफ है, या आपका जो प्रॉब्लम है वो बस हेयर रूट्स तक ही सीमित है, मतलब इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो ये हेयर ऑयल आपके लिए काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। ये 90% लोगों पे अच्छे से काम करता है। और ऑनियन और मेथी तो जानी ही जाते हैं अपने बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, लस्टर देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कैसे बनाया ये। यहाँ पे हमने लिया है नारियल का तेल, प्याज और मेथी। आप चाहे तो ऑनियन पेस्ट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया है, मैंने बस इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब हम लोग करेंगे एक सॉस पैन में तेल को गरम। और याद रखिए ये पूरा जो प्रोसीजर है ये मीडियम हाई फ्लेम में होगा, इसको हाई फ्लेम में मत कीजिए। अब तेल क्योंकि गरम हो गया है इसमें हम छोड़ देंगे मेथी और प्याज और दोनों को अच्छे से भूजेंगे। तब तक भूजेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको 3-4 घंटा के लिए ठंडा होने रख देंगे। 3-4 घंटा के बाद हम लोग छान लेंगे तेल को छलनी की मदद से और प्याज को तेल से अलग कर देंगे। अब इस तेल को हम एक बॉटल में डाल लेंगे। ये बॉटल मेरे पास पहले से ही था, ये किसी दूसरे तेल का बॉटल था जो कि ख़त्म हो चुका था, तो इसी में हम लोग अच्छे से तेल को ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने तो आपको दिखा दिया कि कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है बालों पे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल आपके स्कैल्प में अच्छे से बैठे और इसको आप 2-3 बार वीक में लगाए तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे से दिखता है। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है कि 1-2 दिन यूज़ करने से ही आपका हेयर लॉस कम नहीं कर देगा। अगर आपको सही में रिजल्ट देखना है तो आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 1 महीना कम से कम देना पड़ेगा इसका पूरा रिजल्ट देखने के लिए कि कैसे ये आप पे वर्क कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि 1 महीना पे आपका पूरा ही बाल झड़ना बंद करवा देगा, लेकिन ये धीरे धीरे काम करेगा। और हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, उसका इफेक्ट भी लंबा रहता है, इसका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और बात आती है कि आप हेयर ऑयल जो है, ऐसे हेयर ऑयल तो आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से क्यों नहीं खरीदे? ऑफकोर्स खरीदे, अगर आपके पास बजट है तो आप खरीदे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। लेकिन ये भी है कि बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनमें केमिकल भी तो रहता है, आप देख नहीं पा रहे हैं ना कि कैसे प्रोसीजर में वो बन रहा है, केमिकल्स क्या है नहीं है, ये सारे बॉटल्स में तो नहीं लिखी हुई रहती है। लेकिन ये आप घर में बना रहे हैं और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको अपने पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, इसको आप इतना आसानी से बना रहे हैं। और ये अगर ख़त्म भी हो जाते तो आप दोबारा घर में बना सकते हैं। अगर आप कोई कीमती ऑयल खरीदते हैं, आपने एक बार खरीद लिया, नेक्स्ट टाइम फिर आपको ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पैसा खर्चा करके खरीदना भी पड़ेगा। तो पहले अपने बालों को बहुत अच्छे से कंघी कर लें। ये मेरा पोर्शन है, मुझे थोड़ा सा बाल अभी झड़ रहा है मेरा वहाँ, इस पोर्शन मेरा हल्का सा बाल झड़ रहा है, मतलब झड़ा नहीं है, ये है ना कि मैं बहुत सालों से पार्टीशन से साइड में कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा पार्टीशन मोटा हो गया है। तो मैंने बालों को अच्छे से कंघी कर लिया है,
और ये कहीं मुझे बर्थडे दिया था एक दीदी ने और एक भैया ने, तो वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो थैंक यू फॉर दिस। एंड ये बहुत यू नो बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी आप इसके पास मोड़ भी सकते हो। आप ये बॉटल लीजिए और बहुत अच्छे से इसको अंदर में ऐसे लगाइए, गाले को अपने रूट्स में अच्छे से इसको लगाइए। तो मैंने अच्छे से अपने बालों में तो तेल लगा लिया है, देख लीजिए मैंने अच्छे से बालों में भर भर के तेल लगा लिया है। और अब बात करते हैं कि क्यों ऑनियन एंड मेथी मैंने यूज़ किया, मैंने कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया है। ऑनियन में होता है सल्फर और सल्फर हेल्प करता है कॉलेजन प्रोडक्शन में। अब कॉलेजन हेल्प करता है हमारे बालों की रीग्रोथ में और हेयर लॉस को स्टॉप करने में। और केराटिन जो कि हमारे बालों में एक कॉम्पोनेंट है, केराटिन नामक जो कॉम्पोनेंट है, केराटिन में भी सल्फर पाया जाता है। अगर आपके बॉडी में सल्फर की कमी हो या तो फिर बाल झड़ सकते हैं। तो ऑनियन में सल्फर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑनियन में होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी। अब हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा गंक एंड डर्ट भी जम जाता है, बहुत स्वेटिंग की वजह से भी होता है। इतना सारा हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बाल में स्टाइलिंग के लिए, उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी किसी को तो स्किन एलर्जी भी होता है स्कैल्प में, उसकी वजह से डैंड्रफ, रैशेज, इनबिल्ट्स बहुत कुछ हो जाता है। तो इसके अगेंस्ट फाइट करता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ऑनियन में वो, और उससे आपके स्कैल्प में जो भी इन्फेक्शन है उसको रोकता है और उससे हेयर लॉस भी बंद होने लगता है। आपके स्कैल्प को क्लीन रखने में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब बात करते हैं मेथी की। मेथी में होता है निकोटिनिक एसिड जो कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, उनको टूटने से रोकता है, लश्चर देता है, वॉल्यूम देता है हमारे बालों को। एंड कोकोनट ऑयल तो सबको पता है कि वो घर घर में यूज़ होता है, बहुत अच्छा होता है, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, हमारा जो ड्राई स्कैल्प है, ड्राइनेस है, उसको भी दूर करता है। तो मैंने तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है सबका साइंटिफिक रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ये अपने घर में बनाएं और अच्छे से जम के मालिश करें अपने बालों में। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, एडिक्वेट पानी पी रहे हो, अपना 8 घंटे का नींद पूरा कर रहे हो, टेंशन कम ले रहे हो, तो आप देखिएगा अपने आप आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल वगैरह, ये सब अपने आप कम होने लगेगा। और अगर आप ये सब कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर रहे हो, तो आप जितना भी कीमती हेयर ऑयल या कुछ भी लगा ले, आपका कैसे भी नहीं कम होने वाला है। आप कुछ भी कर ले, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। ये ऑयल वगैरह जो भी होता है ये तभी काम करता है जब अंदर से आपका बॉडी ठीक रहे। तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और स्पेशली लड़कियाँ, इवन लड़के भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे भी आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो विटामिन ई एंड विटामिन सी का, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। अब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी मिलते हैं जिनके सप्लीमेंट्स मिलते हैं विटामिन ई विटामिन सी के, तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, सप्लीमेंट्स ले। एंड मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहे और नमस्ते, बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और नीचे जो बेल बटन है सब्सक्राइब के पास में, उसको भी आप ऑन रखें ताकि जब भी मैं कुछ भी पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।